Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. शैदा, आपके हाथ से मोबाइल गिर गई सोते सोते. आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना चाहेंगे. मैं ये कहना चाहती हूँ कि शैदा को नींद करनी चाहिए, क्योंकि आज हम जब लकी वन जा रहे थे तो शैदा को कार में नींद आ गई थी, गाड़ी में. तो जैसे ही हम लकी वन पहुँचे तो शैदा जैसे नहीं होता, फुल कोई नींद में गुम होता है. तो मैंने फिज़ा को बोला, फिज़ा सजदा को देखो. तो जैसे ही मैंने ऐसे किया फिज़ा को, तो सजदा ने ऐसे किया, नहीं 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 ऐसे कर रही थी, नहीं 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 नहीं. मैंने कहा मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो इसने बोला किसी को स्ट्रिंग मत भेजना. मैंने कहा मैंने तो बनाई ही नहीं है. फिर इस लड़की को सांस में सांस आई, मुझे इस पर ऐसी आ रही थी जब ये ऐसे कर रही थी. और ख्वाब में किसको ढूंढ रही थी? ख्वाब में अमन को ढूंढ रही थी. अमन हमारा कजिन है. और कल रात किसी को खत लिख रही थी ख्वाब में, लेटर लिख रही थी, मैसेजेस लिख रही थी. तू ही तो बताए मियाँ को निंद्र में. निंद्र में नींद में ना, हमें गाड़ी में बता रही थी बिल्कुल ऐसे नींद में, मतलब ऐसे दिमाग में किसी काम नहीं कर कह रही थी. जैसे ही नींद से उठ के कह रही थी ना, मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी. मैंने कहा मैं अमन को ढूंढ रही थी अभी ख्वाब में, और कल रात मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा जिसमें मैं पता नहीं किसको खत लिख रही थी, लेटर मैसेज लिख रही थी. अभी उसको वो इतनी नींद में थी उसको पता भी नहीं, उसने हमें ये बताया है. तो ऐसी होती है सजदा की नींद. क्या क्या उसको The next day. So, अपडेट ये है कि मामू पता नहीं कहाँ चले गए हैं. हम सब अपनी तैयारियों में बिजी थे. जो अस्सलाम वालेकुम खाना बना गए ना, उन्होंने हमें बताया कि आपके जो है ना मामू पता वो बाहर चले गए हैं. कह रहे हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और हम जो है अभी उन्हें ढूंढने जा रहे हैं. सबका भी आ रही है और सजदा पता नहीं कहाँ है, अभी तक वो नहीं आई. तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सारे ठीक होंगे. वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग. और आज मेरा गला बहुत ख़राब है, और आज वलीमा, आज वलीमा है. कल वाला ब्लॉग भी आई होप आपको पसंद आया होगा. कल वलीमा नहीं था, कल हमने बहुत इन्जॉय किया. मैंने देखा वेडिंग सीरीज चल रही है ये ट्रिप की, लेट्स सी वो अभी तक क्यों नहीं आई. एल्सा यहाँ अपने हेयर ठीक कर रही है. चलो भाई जल्दी करो एल्सा. Meanwhile. जी मामा नंबर पे कॉल कर रहे थे. हाँ ये कि हमें अभी तक मामू नहीं मिला, हम घर जा रहे हैं. अब देखें ये मैं भी घर में हूँ. ये मामू को ढूंढने के लिए तो नहीं निकला? हाँ मामू को ढूंढने के लिए निकला. अच्छा मामू को ढूंढने के लिए सब निकले हैं, हम घर जा रहे हैं. मैं भी मामू घर पर हो, या देखते हैं ना मम्मा वालों को या किसी को, बड़े को तो अब डरना ही पड़ेगा. हम पहले तो उन्हें टेंशन नहीं देना चाहेंगे, बट अभी हम देखते हैं. मामू जो है वो मिल गया था, वो यहीं पर सामने चाय पीने गया था. हमें पता नहीं था, मम्मा वालों को शायद बता कर गए थे. मम्मा वालों ने कहा कि नहीं वो खुद ही आ जाएंगे, पता है. सो उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं किया, और अभी हम तैयार हो रहे हैं. एल्सा थोड़ी फ़ोन साफ़ कर रहे थे, क्योंकि उसमें भी ब्लॉग्स हुई शादी वाली उसी में है, क्योंकि मम्मा के फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं है. और यहाँ पर एल्सा ख़ुद अपना मेकअप कर रही है. उसका एल्सा का आई मेकअप हो गया है, और अभी मेरा होना बाकी है. मैंने अपने हेयर स्ट्रेट कर दिए हैं, इसमें मे भी मैं कर्ल्स करूँ. वो आप देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ. हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अंजा का मेकअप हो रहा है. अंजा कैसा फील हो रहा है आज लास्ट डे वलीमा है? बहुत सुकून फील हो रहा है कि फाइनली मेरे मेकअप में से जान छूटेगी. आपको ऐसा कैसा फील हो रहा है? मुझे बस सही फील हो रहा है. आपको डियर? मुझे बस यही फील आ रही है कि जल्दी से तैयार हो जाऊँ टाइम पे. नॉट और देख सकते हैं आप मेरी कितनी स्किन ख़राब हो गई है, और मुझे तो एलर्जी भी हुई थी इस वजह से. मुझे बस उसी का है, बाकी तो ओवरऑल हमने बहुत इन्जॉय किया है शादी में. ओके
1 hour later. सजदा और मैं तैयार हो गए हैं. एल्सा अब तक तैयार नहीं हुई. सजदा मेरे माँ, क्योंकि एल्सा ने हम सबका आए मेकअप किया है, तो इस वजह से भी खुद लेट हो गई है. बट अभी भी हम यहीं हैं, वेट कर रहे हैं कि आनिया ना आए. सजदा का आउटफिट ये है आज का. सजदा दिखाओ चलो. यस, फजो कि हम अभी तक नहीं गए और वेट करें कि हमारे साथ कौन चलेगा. और हम कब से यहीं गाड़ी में बैठे हैं हम दोनों. चले ना, कोई आए भी तो ना. हाँ, आर्यन आ गया है बट अभी तक जो है मम्मा वाले एल्सा वाले रेडी नहीं हुए. इकरा ऐसी हील पहन कर आई है जिसमें घूम भी नहीं सकती. पता नहीं क्यों ऐसी हील पहन कर आ रही है. ऐसा एज यूजुअल पिक्चर्स एंड सुमैया पी. और यहाँ बासित हमारे पिक्चर्स निकालने के लिए आया है. मैं इकरा और बासित के पीछे पीछे आई थी क्योंकि कल इकरा ने मेरी बहुत अच्छी पिक्चर्स निकाली थी. बहुत. और हम बिल्कुल एंड में आए हैं. और यहाँ पर जो है ना पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया था और सब यहाँ पर हम बैठे थे और बातें कर रहे थे. हाय गाइस. गाइस, दूसरा व्लॉग बन रहा है गाइस. पता नहीं कितनी बार बना चुकी है. हेलो कर दो. हेलो गाइस. हेलो गाइस. मुझे पता है हम आज भूत नहीं लग रहे, लेकिन आई नो दैट मामा और अली भाई की वहाँ पे बातें चल रही हैं. ये रहे मामा लोग महंगे. हेलो 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 गाइस. हेलो हेलो गाइस. गाइस कैसे हो गाइस? गाइस हम व्लॉग बना रहे हैं. हाय, अस्सलाम वालेकुम. चार को खेल लिया. अंकल कोचा भी लगा दो. अंकल खालजन के दियो ना. अंकल खालजन ले बियो कणी जाऊं ना. अंका के दे ता. अंकल के दियो. अंकल तो कुराड़ा जी जल्दी लगा दे भाई. अंकल तो पिक्चर कर. अंकल ही पिक्चर करो. आ जाओ. मुझे गोलू तो मुझे गोली आ तो मुझे क्यों मारने सा लिखे हो आए का तो सब पोटू मां के मुंह के आया ला. यस 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 श्योर. हेलो गाइस ब्लॉग में. हेलो गाइस. हाय
ड्रेसेस माई दिन होंगे शायद याद नहीं कि कितना बैठ गया ना ओका ते दिखी नथन वर जिंदा असा कपड़ा उठ गया मान दे असा ही बैठ गया हाइपर ता उठ गया आज ही यार दिस पांच ना हां हाइपर ता बैठ गया शर्म भी ना तो जे स्कूल का लाइन ने है ना मुंबई को फिजा सही से रोड था फिजा ठीक बोल रही है रोड या बोतल में पीएम दिया खबला कोई प्यार में रोड था भी खणी अचो तो वो प्यार हो जा समझे बा ऐसा मना ना क्यों से अभी तो नहीं हां हमने सकलीन भैया सजदा और अंजा और खिजर मैगी चैलेंज करेंगे खाई सगो पा हम खाएंगे क्यों सब सड़ी करिया क्यों ग्रामीण खाएंगे डन वो बुरा हुआ जोलो चिप हम जो जोलो चिप सच्ची में बहुत मजा आएगा हम जोलो चिप चैलेंज करेंगे डन सकलेन भैया डन ओके डन डन सकलेन भैया डन डन यार को बल लड़का ने अपनी रॉकेट खोला रॉकेट जोलो चिप खाओगी यस जोलो चिप जोलो इंस्टाग्राम ये इंस्टाग्राम की स्टोरी बना रहे हैं आपको टैग करेंगे आए हसन जी गाइस काको काका नहीं हसन हसन कुर्बान ये हमारे कजिन जी की मामू मुझे भी नहीं आता और ये मम्मा और नेमा भाभी की बातें चल रही हैं ये मामू बचवा से जल हेलो हेलो हाय थोड़ी देर तो तेरी थी भैया जाती मेहंदी वाला ये ब्लॉग 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 मुझे मुझे भी बहुत सी एपिक की है मीठी है बिल्कुल बेटा कम है मैं चाय पी लूं ना चाय दे दो जमान दे लेके चाय कब बचे हां हेलो हाय 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 और वलीमा खत्म हो गया इट्स अ रैप ओके सो इट्स अ रैप हो गई शादी और आई होप आपको सारे ब्लॉग अच्छे लगे हों हमारे शादी के जितना हमने ट्राई किया हमने रिकॉर्ड किया ब्लॉग कर सकते थे हम सब ने किया हमारे अभी हमारी न्यू सीरीज आएगी ट्रैवलिंग सीरीज यस क्योंकि अभी हम कराची में कुछ दिन और स्टे कर रहे हैं तो इसलिए इंशाल्लाह हम यहाँ पर और ब्लॉग्स बनाएंगे तब तक के लिए आप हमारे जो वेडिंग व्लॉग्स हैं शादी सीज़न की जो हमारी सीरीज़ थी आप वो एंजॉय करें आई होप आपको पसंद आई होंगी वो और अभी वी आर वेरी वेरी टायर्ड हम सब ने बहुत अच्छे हम सब तैयार हुए हमारे हिसाब से मेहंदी पे थोड़ा सा डिज़ास्टर हो गया तो खैर उसका अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये डिज़ास्टर ज़रूरी होते हैं शादी में सद्दा के माशाल्लाह माशाल्लाह सद्दा के साथ कोई डिज़ास्टर नहीं हुआ लेकिन मेरे फिज़ा और अंजा के साथ हो गया था विच इज़ ओके चलो कोई मसला नहीं है और हमें हमारे कज़िन्स के साथ मिलकर भी बहुत मज़ा आया इतने टाइम बाद ऑलमोस्ट हम एक दो साल के बाद में एक साल के दो बाद मिल ही रहे थे और कुछ कज़िन्स सब मिलकर ऐसे सब मिलकर हाँ और कुछ कज़िन्स से हम दो साल बाद भी मिल रहे थे खैर तो बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया हमारे कज़िन्स ने भी बहुत मज़ा किया और कुछ तो रह भी गए हम जो व्लॉग्स में हम नहीं ले पाए कुछ क्योंकि आ भी नहीं पाए कमाल भाई वाले कुछ कजिन्स हमारे नहीं भी आ पाए तो क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो चलो कोई मसला नहीं है उनका इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट शादी में मिलते हैं तो वहाँ पर इंशाल्लाह मिलेंगे और अभी हमारी जो कराची में हम इंजॉय करेंगे कोशिश करके हम व्लॉग कर रहे हैं हमारे साथ सब हेल्प करते हैं व्लॉग करने में